हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में कंपेयर। आखिरकार कौन है भोजपुरी इंडस्ट्री में आज के टाइम पे नंबर वन। दोनों की नाम की बात करें तो पवन सिंह का पवन सिंह ही नाम है, जबकि खेसारी लाल यादव का नाम शत्रुघ्न यादव है। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को, जबकि खेसारी लाल का जन्म 3 जुलाई 1986 को। दोनों ही 35 साल के हो चुके हैं। बर्थ प्लेस की बात करें तो पवन सिंह का आरा बिहार में जन्म, जबकि खेसारी लाल यादव का जन्म छपरा बिहार में हुआ है। तो अब करते हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच पर्सनल कंपेयर। हाइट की बात करें तो पवन सिंह का हाइट 5.9 इंच, जबकि खेसारी लाल यादव का हाइट 5.7 इंच है। वेट की बात करें तो पवन सिंह 85 किलो का, जबकि खेसारी लाल यादव 78 किलो के हैं। पवन सिंह साल 2007 से फिल्मों में काम कर रहे हैं, जबकि खेसारी लाल यादव साल 2011 से फिल्मों में काम कर रहे हैं। पवन सिंह ने रंगली चुनरिया तहरे नाम से भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, जबकि खेसारी लाल यादव ने साजन चले ससुराल फिल्म से भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। तो अब हम करेंगे दोनों के फीचर्स का कंपेयर। तो पवन सिंह एक फिल्म करने के लिए लगभग 45 से 50 लाख रुपया लेते हैं, जबकि खेसारी लाल यादव 40 से 45 लाख रुपया चार्ज करते हैं। वही एक स्टेज शो करने के लिए पवन सिंह हैं 10 से 15 लाख चार्ज करते हैं, जबकि खेसारी लाल यादव एक स्टेज शो के लिए 15 से 18 लाख तक चार्ज करते हैं। पवन सिंह एक सॉन्ग गाने के लिए 3 से 5 लाख रुपया लेते हैं, जबकि खेसारी लाल यादव एक एल्बम सॉन्ग गाने के लिए 3 से 5 लाख चार्ज करते हैं। अब हम करने वाले हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के फिल्मों का कंपेयर। तो टोटल फिल्मों की बात करें तो पवन सिंह ने लगभग 85 फिल्में की है, जबकि खेसारी लाल यादव ने 75 फिल्में की है, जिसमें पवन सिंह की 11 फिल्में फ्लॉप रही हैं और खेसारी लाल यादव की 9 फिल्में फ्लॉप रही है। एवरेज फिल्मों की बात करें तो पवन सिंह की 22 फिल्में एवरेज रही हैं और खेसारी लाल यादव की 25 फिल्में एवरेज रही हैं। हिट फिल्मों की बात करें तो पवन सिंह की 27 फिल्में हिट रही हैं, जबकि खेसारी लाल यादव की 22 फिल्में हिट रही हैं। इनके ब्लॉकबस्टर और हिट फिल्मों के बारे में जानते हैं तो दोनों सुपर हिट फिल्में पवन सिंह ने 20 की है, जबकि खेसारी लाल यादव ने 15 की है। ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात करें तो पवन सिंह के 5 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं, जबकि खेसारी लाल यादव की 4 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं। टॉप व्यूज वाले सॉन्ग की बात करें तो पवन सिंह के रातें दिया बुता के, जबकि खेसारी लाल यादव का मिलते मरद भूल गेलू रहा है। अब हम करने वाले हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के अवार्ड का कंपेयर। आखिर अवार्ड किसको ज़्यादा मिले। तो अवार्ड की बात करें तो पवन सिंह की 5 अवार्ड मिले हैं, जबकि खेसारी लाल को 4 अवार्ड मिले हैं। कुल संपत्ति 250 करोड़, जबकि खेसारी लाल का कुल संपत्ति 200 करोड़ है। कार्स की बात करें तो पवन सिंह के पास मर्सिडीज 78 लाख कार है, जबकि खेसारी लाल के पास फॉर्चूनर 30 लाख की कार है। हम करेंगे दोनों के सोशल मीडिया फॉलोअर्स का कंपेयर। इंस्टाग्राम पर पवन सिंह का 1.4 मिलियन, जबकि खेसारी लाल यादव का भी 1.4 मिलियन। फेसबुक पर 3.1 मिलियन, जबकि खेसारी लाल यादव का 4.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं।